प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चंबा हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत जिला है। जिला चंबा 7 विकास खंडों में विभाजित है, जिनमें 2 जनजातीय विकास खंड पांगी और भरमौर भी शामिल हैं। जिला चंबा के लोग कृषि, पशुपालन व बागवानी व्यवसाय से जुड़े हैं। जिला चंबा में लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलों की बुआई की जाती है, जिनमें मक्की, धान, गेहूं, आलू, मटर व बेमौसमी सब्जियां प्रमुख हैं। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम चला रहा है और प्रदेश सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता के आधार पर देख रही है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि इनकी उत्पादन लागत को कम से कम किया जाए और रासायनिक खादों और दवाइयों का जो दुष्प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है उसे रोका जाए। इस दिशा में प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का शुभारंभ किया जा चुका है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पूर्णतः हमारे पास आसानी से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। हमें सिर्फ इन संसाधनों का प्रभावशाली और सक्षम तरीके से उपयोग करना है। इस दिशा में कृषि विभाग 2 बार 6 दिवसीय प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर पालमपुर में आयोजित कर चुका है, जिसमें जिला चंबा के 209 किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रशिक्षण शिविर की खास बात यह रही कि इसमें प्राकृतिक खेती के जनक पद्मश्री सुभाष पालेकर ने स्वयं किसानों को प्राकृतिक खेती की बारीकियां समझाई। कृषि विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण चंबा के अधिकारी व कर्मचारी भी जिला चंबा के किसानों को समय समय पर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विभाग द्वारा किसानों के घर घर जाकर देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से उन्हें बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस समय जिला चंबा में 2,800 किसान लगभग 2,050 बीघा भूमि में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की विधि से खेती कर रहे हैं। इन्हीं में से गांव समलेव विकास खंड भटियात के एक किसान श्री राजकुमार शर्मा हैं, जो ग्राम पंचायत समलेव के प्रधान भी हैं। इन्होंने पद्म श्री सुभाष पालेकर जी से पालमपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने खेतों में भी इस पद्धति से खेती करना आरम्भ कर दिया है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं गांव समलोऊ सीड रोजी जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा किसान हूं। 2018 में पालमपुर में सुभाष पालेकर जी से 6 दिवसीय प्रशिक्षण लिया है। उसके बाद मैंने सुभाष पालेकर पद्धति से खेती को अपनाया है और मैंने घन जीवामृत और जीवामृत तैयार करके खेती करना शुरू की है। मैंने बिजाई करने से पहले मैंने खेत में घन जीवामृत डाला था और बिजाई के बाद
जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे घन जीवामृत कैसे बनाया जाए, जीवामृत और कोई अन्य जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे हमने पेस्टिसाइड को कैसे जो कीड़े वगैरह होते हैं उसको कैसे हमने रोकना है, चाहे अन्य जो भी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पर सारा कुछ हमें बताया गया। उसके बाद जब मैं अपने बगीचे में आया तो उसके बाद मैंने ना कोई बाज़ार से रसायनिक कुछ भी नहीं लिया, और जो जो उन्होंने बताया था वही मैंने अपने बगीचे में पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट किया। आज मैं वर्तमान में देख रहा हूँ जो मेरे सेब के पेड़ हैं या अन्य जो मैंने सब्जियाँ लगाई हैं, चाहे सब्जियों में चाहे टमाटर है, चाहे मैंने अन्य जो उसमें मिश्रित भिंडी लगाई है, चाहे उसमें बीन्स लगाई है, चाहे उसमें धनिया वगैरह लगाए, उसकी जो रिजल्ट हैं वो आश्चर्यचकित हैं। क्योंकि जो ये आप सेब देख रहे हैं, इसका जो साइज़ है, इसकी जो शाइनिंग है, अन्य बगीचों से बिल्कुल डिफरेंट है। अन्य दाएं बाएं जो हमारे यहाँ के लोकल जो किसान बागवान उन्होंने भी ये विज़िट किया और यहाँ पे देखा, यहाँ पर सब कुछ अलग था। पहले क्या काम करते थे, जो ये हमारा पेड़ है ये इसके आसपास जो हम एक तौलिया बनाते थे, अब मैं इसके अगल बगल में कोई तौलिया नहीं बनाता। दो पेड़ों के मध्य में नालियाँ बनाई हुई हैं और उसमें ही मैंने मल्चिंग वगैरह और जीवामृत वगैरह मैं डालता हूँ। और जब से इसमें पत्तियाँ आई हैं, सेटिंग हुई है फ्लावरिंग के बाद, तो मैंने ऊपर ही इसमें सब कुछ जीवामृत जो सब धनिया अंकुर होता है या खट्टी लस्सी होती है उसकी स्प्रे करता हूँ। आज जुलाई के 3 हो चुके हैं 2019 और आज तक जो है मैंने इसमें 4 स्प्रे करके रखा और इसके प्रभावित आश्चर्यजनक मतलब चकित करने वाले जो है रिजल्ट हैं, इसके अच्छे परिणाम हैं। और जो मैंने मिश्रित सब्जी लगाई है उसमें भी अच्छे रिजल्ट हैं, और किसी भी प्रकार का मैंने कोई कुछ नहीं डाला बाजार से, सिर्फ मल्चिंग किया और इसमें जो जीवामृत वगैरह समय समय पर देता हूँ, और मुझे ज़्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस बागवानी के साथ साथ मैंने प्राकृतिक खेती की दृष्टि से SPNM के तहत मैंने मक्की लगाई है। मक्की के साथ साथ जो उसमें जो है मैंने लोबिया लगाया है, राजमा लगाए हुए हैं और साथ में जो सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं। एक मेरा ब्लॉक है जिसमें मैंने रूट स्टॉक के पौधे लगाए हैं, उसके बीच में मैंने टमाटर नालियाँ बना के और उसमें जो है मिश्रित सहयोगी फसल के रूप में बीन्स लगाई है, और जो उसके किनारे हैं उस पे ऊपर धनिया और यह मूली लगाई हुई है। और जो मेरा दूसरा ब्लॉक है वहाँ पर भी मैंने टमाटर और भिंडी और साथ में जो अन्य सहयोगी फसल जैसे करेला और साथ में जो है तोरी, ये लौकी और ये चप्पन कद्दू वगैरह इत्यादि SPNF के तहत लगाए हुए हैं, जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। किसान भाइयों, आत्मा परियोजना के द्वारा हमारी पंचायत देवला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा था, तो जो भी किसान बंधु भगनी उस प्रशिक्षण शिविर में आए थे उनका उन्होंने भी यहाँ पे भ्रमण किया, विजिट किया और ये देखा, तो वो भी चकित हुए इससे कि वो भी कहीं ना कहीं खेती बाड़ी और बागवानी कर रहे हैं, परंतु उनमें और इसमें जो फ़र्क है तो उनको भी कुछ अच्छा लगा और उन्होंने तो मन बना लिया कि हम जो है आगे से जो ये केमिकल वाली खेती नहीं करेंगे, हम जो है आगे से जो भी करेंगे ये SPNF का जो कंसेप्ट है प्राकृतिक खेती का, इसको ही अपनाएंगे। तो मुझे आपसे भी यही कहना है कि आप भी इस SPNF प्राकृतिक खेती को अपनाओ, एक समाज के लिए, एक देश के लिए एक अच्छा मैसेज आएगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे, एक स्वस्थ और तंदुरुस्त समाज और देश खड़ा हो। अंत में किसान व बागवान भाइयों, प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। गांव मुल्क विकास खंड चंबा के रहने वाले किसान कमलेश सेठी पूरी तरह कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। पहले ये सब्जी उत्पादन हेतु रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, परंतु अब इन्होंने पूरी तरह से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपना लिया है। मेरा नाम कमलेश सेठी, गांव मुलक, पीओ संधि, तहसील कुकरी, जिला चंबे का रहने वाला एक छोटा सा किसान हूँ। और मैं 4 साल का जब था तब मैं इस ज़मीन पर आया था और खेती कर रहा हूँ। मेरा अनुभव ये है कि जो मैंने रासायनिक खादें डाली या फर्टिलाइजर डाला उससे 4 दिन तो बहुत बढ़ोतरी हुई, मगर अब 0 पर पहुँच गया। तो अब मैं जब मैं वहाँ से आया, शिमला से आया, तो मुझे पता चला कि प्राकृतिक खेती चल रही है और मुझे गाइड किया गया, जिससे मुझे एक बीघे के लिए डेमोंस्ट्रेशन दिया गया, वो मैंने मिश्रित खेती लगाई। ठीक, मैं मानता हूँ कि फसल थोड़ी कम नहीं, शायद हो सकता है हम लेट हो गए, लगाने में लेट हो गए या उसको करने में लेट हो गए, मगर वो फसलें मैंने निकाल लिया जो 4 लगाई थी। तो अब मेरा यही अपना वो है कि आगे जो है इस खेती पर ही चलना है, हमने इसी खेती पर बढ़ोत आगे करना है, और हमको
सिर्फ नमक लेना है, बाकी कुछ नहीं। और इस टाइम मेरे पास 25 बीघा जमीन है, जिस पर सारे पर इसी खेती को तैयार करूंगा, इसी पर ऑर्चर्ड भी तैयार करूंगा, इसी पर ही सब्जी भी तैयार करूंगा, इसी पर फसल भी तैयार करूंगा, इसी पर जड़ी बूटियों का काम वो भी शुरू करने वाला। गांव चमेरा विकास खंड महला के रहने वाले किसान दिनेश कुमार इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर सुभाष पालेकर विधि से खेती कर रहे हैं और अपने गाँव के बाकी किसानों को भी इस विधि से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले से हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं 3 जून 2018 तक मेरा खेती करने का नज़रिया जो था वो कुछ और था। 3 जून को सोलन नॉन यूनिवर्सिटी में शून्य लागत प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा जो खेती करने का नज़रिया है वो कुछ और हो गया। जब मैं घर आया तो मैंने जो ट्रेनिंग ली थी उसके अनुसार, उस पत्ति के अनुसार अपना खेत में एक छोटे छोटे से नज़रिए को उसको आजमाया। मेरे मन में यही चल रहा था कि अगर ऐसा हो सकता है, शून्य लागत से अगर खेती हो सकती है तो कैसे। मैंने आते ही अपने खेत में 3 बीघे खेत में एक आधे से प्लॉट में उसको चेक करने के लिए उस विधि को आजमाया और उसके जो रिजल्ट मिले वो कुछ खट्टे वो कुछ मीठे रहे दोस्तों, पर मैं निराश नहीं हुआ। और ये उसके बाद 6 दिवसीय पालमपुर में सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग लेकर मेरा मन जो है वो प्रॉपर इस जो संशय था वो ख़त्म कर इस विधि को आजमाने में हो गया। और अब मैंने पूरे खेत में, जो पहले मैंने 3 बीघे में लगाया हुआ था, अब मैं वो पूरे खेत में, अब मेरे जितने भी खेत हैं मैं शून्य लागत प्राकृतिक खेती से खेती कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सुभाष पालेकर सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी प्राकृतिक खेती को बनाया है और गरीबों के लिए इतना अच्छा भले का काम किया है। मैंने उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर, 6 दिवसीय उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर, उन्हीं के अनुसार जैसे जैसे उन्होंने बताया है आच्छादन का, जीवामृत का, घन जीवामृत का और मिश्रित खेती करने का, वो सब कुछ अपने खेत में आजमाया है। और उसी विधि से मैंने अभी गेहूँ को लगाया हुआ है। गेहूं के साथ मैंने मटर और मटर के साथ मैंने मूली नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए वो लगाई हुई है। और इसी के साथ मतलब मैंने पूरे खेत को उसी विधि में कन्वर्ट कर दिया है। इस विधि से ये गेहूं के साथ जो मैंने चाइनीज सरसों, पालक और हरी मेथी लगाई हुई थी, जो भी हरे पत्ते की सब्जी वहाँ पे वेजिटेबल सामने देख रहे हैं आप, वहाँ पे लगाई हुई थी, उनसे मैं 1,000 रुपये कमा चुका हूँ उनको बेचकर। और वो बहुत अचंभित बात है कि मेरे खेत से ही वो सब्जी जो है बिक जाती है। कविंदर कुमार गांव बंजल विकास खंड महला के एक किसान हैं। इन्होंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि से अपने खेत में बंद गोभी और फ्रांसबीन की फसलें उगाई हैं। मेरा नाम कविंदर कुमार है, मेरा गांव बंजल है और महला ब्लॉक चंबा डिस्ट्रिक्ट। पिछले 8 साल से हम सब्जी का काम कर रहे हैं, उसमें की बंद गोभी, बीन्स, फूल गोभी लगाते हैं, जो कि रासायनिक तरीके से करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र और मतलब पुराने तरीके से करते हैं, सब कुछ डालते हैं, इंसेक्ट वगैरह। और एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से हमें ZBNF की ट्रेनिंग दी गई पालमपुर में, उसके बाद मैंने ये 1 बीघा में उस तरीके से लगाई और यहाँ पे जीवामृत वगैरह यूज किया और अभी अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले खाद वगैरह के लिए खर्च मतलब ज़्यादा होता था और इनपुट आउटपुट कम थी। जो ये बंद गोभी लगाई हुई है मैंने 0 बजट पे ZBNF पे लगाई हुई है और इसके इंटरक्रॉपिंग में मैंने साइड में लगाई हुई है फ्रांसबीन और पर 2 प्लांट के बाद बंद गोभी के बाद गेंदा लगाए हुए इंसेक्ट के लिए। इसमें मैं टोटल जीवामृत यूज कर रहा हूँ और घन जीवामृत। इसका जो बीज दिया गया था वो कृषि विभाग ने दिया था हमें और 1 बीघा में मैंने बंद गोभी लगाई और टोटल 0 बजट पे लगी हुई है ZBNF तरीके से। प्राकृतिक खेती का रुझान और उसको करने की अभिरुचि जिस तरह जिला चंबा के किसानों में बढ़ रही है, इससे लगता है कि किसानों की आय बढ़ेगी, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाएगा और पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें खाने को शुद्ध एवं प्राकृतिक उत्पाद मिलेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा तथा भविष्य में जिला चंबा प्राकृतिक खेती के लिए जाना जाएगा।